के बारे में क्या कहा था, उसका एक्शन इस तरह का है कि वो जब जोर लगाता है ऑफ स्टंप की तरफ तो पुश करता है गेंद को बाहर की तरफ, वो आसानी से इधर टाइम हो जाता है। जब वो गेंद अंदर लाने की कोशिश करता है तो उसकी आप रिस्ट देखें, रिस्ट होती है फाइन लेग की तरफ, तो उसने इधर ही स्लांट होना ना। सो जब तक ये चीजें जो बॉलर गलती कर रहा है, आप देखें ये कब से ऑन द सीन है, इतनी शॉर्ट गेंद जिसमें कट कर रहे हैं, कब से है ऑन द सीन, 2018-19 से ये दरियाफ्त भी किए गए, किसी ने इनके साथ काम किया, इनको टेक्निकल एरर बताया। भाई प्लेयर तभी इंप्रूव होगा ना जब आप उसको टेक्निकली इंप्रूव कराएंगे। $20,000 की बात के लिए आपने फिटनेस जो है, फिटनेस बहुत जरूरी है, आपकी फिटनेस होनी चाहिए कि आप एज ए फास्ट बॉलर आपका पहला स्पेल अगर 140 पे कर रहे हैं, दूसरा भी 140 और तीसरा भी 140 पे होना चाहिए, यह है फिटनेस। इसके अलावा जो फिटनेस है आपने उसको कुश्ती तो नहीं करवानी, आपने उसको इंप्रूव करवाना है टेक्निकल, उसका एस्पेक्ट जो है वो एनहांस करा के। अनफॉर्चुनेटली उनकी गाइडेंस ही नहीं है। हसन अली में क्या बात है समी, कथा कलामी आमिर, हसन अली में क्या बात है, सवा साल के बाद उनको लेकर आए, इसका मतलब है अगर नसीम शाह अनफिट हो गया तो आपके पास बैकअप में कोई फास्ट बॉलर नहीं है जो मजबूरन आपको हसन अली को लाना पड़ा सवा साल के गैप के बाद। जी हाँ, देखें बिल्कुल, अगर आप सही कह रहे हैं, अगर आप पूरे पाकिस्तानी सर्किट में देखें ऐसा बॉलर नज़र नहीं आ रहा जो कि नया बॉल का बॉलर हो, स्पेशली लॉन्गर फॉर्मेट की अगर बात करें। देखें T20 कौन है इसका जिम्मेदार, किसने नहीं बनाया इस टाइम के बॉलर? देखिए जिम्मेदार काफ़ी लोग हैं, एक का नाम कहाँ से लें, आप पूरा सिस्टम उठा के देख लें ना, जो परफॉर्मेंस सेंटर है, ये क्या खर्चे डाले हुए हैं आपने, अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे तो आपने ये किया क्यों? देखें आपका जो मसला है, अब ये जो आप रीजन की टीमें वगैरह सिलेक्ट करते हैं कौन सा क्राइटेरिया, मुझे बताएं, दोस्ती यारी नहीं, सिफारिश मुझे बताएं ना, क्लब क्रिकेट है आपकी? कुछ नहीं है, सिफारिश पे हो रही है। पिछले इतने अरसे से डोमेस्टिक में बैठे हुए, कभी उन्होंने सोचा कि क्लब क्रिकेट भी करानी? आप स्क्रूटनियां करवा लेते हो, ठीक है, वो किराए पर लोग ला के किटे पहना के वो आपको खड़ा कर देते हैं और आप क्लब का बोर्ड जो है अप्रूव कर देते हैं, कौन सा क्राइटेरिया? अब जब आपने 6 टीमें की थी उस वक्त सिफारिश चली, अब भी सिफारिश चली, बिल्कुल जब सिफारिश के ऊपर प्लेयर आएंगे और हकदार जो है वो पीछे रहते जाएंगे तो जब तक आपका सिस्टम नहीं ठीक होगा तब तक जो है, देखें मैं जो समझता हूं, अगर तगड़ा सिस्टम होगा ना वो जो कमजोर एडमिनिस्ट्रेटर है ना उसको खा जाएगा, और कमजोर सिस्टम को वीक तरीन जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो खा जाएगा। हाँ, सही ये हो रहा है आपका, आपको एडमिनिस्ट्रेशन नजर आ रही है समी की? देखें सच तो आप देखें, अगर आप बैकअप की बात करें, हमारे पास ना स्पिनर का बैकअप, ना फास्ट बॉलर का बैकअप, बैट्समैन आप उठा के देख लें उसका बैकअप नज़र नहीं आ रहा, तो देखें प्रॉब्लम तो है कहीं ना कहीं। ऊपर से अगर आप बात करें, देखें प्लेयर उसी वक्त बनता है और जब बन भी जाए तो इसी तरह वो अनाज करता है कि जब उसके पीछे आपने बैकअप तो तैयार किया। बात की समी ने, आप पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ को देखें और इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ को देखें, शमी बैठा हुआ था 4 मैचों में और जब वो आया उसने आते ही 5 आउट कर दिए, ईशान किशन टीम से बाहर, रवि बाहर, टेक्निकल बेटर प्लेयर्स को वो लेके आए, वो क्यों आपके ख्याल में राहुल रॉबर्ट को लेके आए अपना एज ए कोच? देखिए रवि शास्त्री वाज अ मेंटर, ठीक है, वो उसने प्लेयरों को जो है वो शाबाश हल्ला शेरी देके टेक्निकली, लेकिन राहुल द्रविड़ आप देखें ये तो एकेडमी का भी हेड कोच रहा है, अंडर 19 का हेड कोच रहा है, आप देखें ना वो प्लेयर भी तो आपको मिले ना, आपके यहाँ पे कोचेस कौन है? गैर मुल्की, आपका मैं आपको बताता हूँ कि नवीद अंजुम अब्दुल रहमान टीम के साथ है, मैं बताता हूँ, नवीद अंजुम वाज द बेस्ट कोच, जो आपका जो सारा लॉट है ना, मैंने उनको पाकिस्तान बी टीम के साथ भेजा, नहीं पाकिस्तान बी टीम के साथ 6 टेस्ट प्लेयर दिए, जूनियर टीम के साथ भेजा और प्लेयर दिए, जस्ट बिकॉज मैंने उसको बैक किया हुआ था, उसके बाद उसको कभी कुछ मिला ही नहीं। So, जब ये होगा, अब ये देखे ना ये जो मिकी आर्थर के जो जेस्चर्स थे जब मार पड़ी थी, इस तरह कर रहा हो भाई, तूने क्या किया, तुमने कौन सा काम किया जिससे आपको जो है वो कोई प्लेयर की वहां उस डर्बी शायर के भी वो जो है हेड कोच है, बैठना चाहिए ना, बिठाना चाहिए नजम सेठी को यहाँ पे, कि तुमने जका साहब ने क्यों कंटिन्यू किया, चले नजम सेठी करके गया, जका साहब तो खत्म कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं किया? बात सिंपल सी है, जब आपके पास विजन ही नहीं होगा, इफ यू आर रिलायंट ऑन, मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि ये जितने भी चेयरमैन आते हैं ना, या तो ये रीजनल प्रेसिडेंट जो होते हैं उनकी गाइडलाइन पे चलते हैं क्योंकि उनसे डरते हैं, या फिर कोई टेस्ट क्रिकेटर आ जाते उनके साथ घेरा डाल देते हैं, आगे चलते हैं, और आप देखें आपकी क्रिकेट बजाय आगे जाने के पीछे जाए जा रही है। देखें आप तो सोचने पर मजबूर हो गया ना, जब आपके पैटर्न चीफ थे प्रेसिडेंट
ऑफ द कंट्री, तो आपकी क्रिकेट ठीक थी। अब जब से प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने किया उसके बाद से सियासी बुनियादों पे तकरार शुरू हो गए। आप देखें, आप देखें ना कि नजम सेठी आए नवाज शरीफ के दौर में, फिर नवाज शरीफ गए इमरान खान के दौर में, एहसान मानी आए, रमीज राजा आए, अब वो चले गए, फिर जकाशफ आ गए पीपल्स पार्टी की सिफारिश पर। तो फिर यही होता रहेगा, तो क्रिकेट के साथ खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन है समीप? जी हाँ, देखें कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी चाहिए हमें दुनिया भर में। देखें आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आते हैं, सालों साल रहते हैं, हमारे यहाँ छह महीने 2022 के बाद से ये तीसरे चेयरमैन है। जी हाँ, और एडॉक पे चल रही है हमारी क्रिकेट। जी हाँ, तो बिल्कुल देखें क्रिकेट का हाल भी फिर बाकी स्पोर्ट की तरह कर रहे हैं ना, आपके हर दो महीने बाद चेंज, हर दो महीने बाद चेंज, और हर चेयरमैन लोगों को लेकर आता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बन जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये भी तो एक खराबी किसने करवाई? आप इसको ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर के पास चला गया, ये खराबी किसने करवाई? ये इलेक्टेड चेयरमैन आता था, जो इलेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो जो इलेक्ट हो रहा है उसका एक टेन्योर है ना, जैसे इंडिया में तीन साल। ये सबसे पहले खराब किसने कराया? नजम सेठी ने। एक इलेक्टेड चेयरमैन था जकाश अशरफ, उसको चेंज करवाया, ठीक है, और आपने देखा कोर्ट कोर्ट खेलते रहे काफी अर्सा। दूसरी दफा एक एक्स कैप्टन, चाहे आपको रमीज पसंद है या नहीं पसंद, उसकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ठीक है, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट, वो आया, उसने उसको रिमूव करवाया। क्या लगा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कुर्सी में क्या लगा हुआ है? कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है ना। आते हैं बड़ा गर्क करके चले जाते हैं, उसके बाद फिर जो है वो ये वाले आपको हालात देखने पड़ते हैं। ये जो करता धरता है इनको भी सोचना है। तो ये तो इलेक्शन करा देते ना, जकाशफ आए थे जब 5 जुलाई को, इलेक्शन करा के एक जमहूरी अंदाज से क्रिकेट बोर्ड चलता, हमारे क्यों नहीं कराए इन्होंने? बड़ी गलतियां उनकी है? बड़ी गलतियां जकाशफ की भी। लेकिन आप देखें नजम सेठी और जो हवारी थे उनकी सिंसियरिटी देखें विद पाकिस्तान क्रिकेट, कि वो माइंड बिछा के गए हैं कि ये काम ना कर सके, ठीक है। लेकिन अगर आप क्रिकेट बोर्ड में आ रहे हो, आप उनको रिमूव करा के आ रहे हो, तो आपके पास एक कॉन्क्रीट प्लान होना चाहिए था। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, ठीक है। जब आपके पास प्लान ही नहीं है, जब आपको पता है कि अगला बंदा जो है वो कुछ ना कुछ करके जाएगा, तो यू शुड हैव बीन रेडी कि अच्छा यार अगर मैं मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन, तो 2-3 लोगों में घिर गए ना। जब मैं मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन आया हूं तो मैंने क्या करना, मेरी प्रायोरिटीज क्या? कुछ नहीं थी। नहीं, सबसे पहले प्रायोरिटी एशिया कप थी और वर्ल्ड कप, उसके बाद वर्ल्ड कप। एशिया कप से स्टार्ट करके आपने टीम को वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना था, लेकिन ही वॉज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। अब देखें हमारे दोस्त हैं, लेकिन हम क्रिकेट से प्यार करते हैं, नहीं दोस्त हैं, हम क्रिकेट के साथ प्यार करते हैं, तब भी दोस्त, क्रिकेट हमें आज भी दे रही है, लेकिन जो क्रिकेट के साथ करेगा हमने उसको हाईलाइट करना है। समी आप क्या कहेंगे, जका साहब जब आए थे हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि इस मरतबा माजी के तल्ख तजुर्बे से सीखते हुए, क्योंकि उनको